लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते समय आपको नहीं करनी है ये गलतियां, इन बातों का बहुत ज्यादा रखना है ध्यान। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दीपोत्सव 2024 की शुरुआत 29 अक्टूबर से हो रही है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को दिवाली मनाई जा रही है। पूरे देश में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने की कई धार्मिक मान्यताएं हैं, साथ ही दिवाली को मनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। हालांकि अधिकतर जगहों पर दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली में लक्ष्मी पूजन के लिए 2 दिन पहले धनतेरस तिथि को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति घर पर लाई जाती है और धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन भगवान की मूर्तियां भी लाते हैं और दिवाली के दिन इन्हीं प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। हालांकि अक्सर लोग अज्ञानता और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। जी हाँ, वो ऐसी मूर्तियां घर ले आते हैं जिनकी पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भले ही दिवाली के मौके पर उनकी पूजा एक साथ होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति एक साथ जुड़ी हुई ना हो। भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त ये याद रखें कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, खड़े मुद्रा में भगवान की मूर्ति घर पर ना लाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजमान हो, इनके एक हाथ में कमल हो और दूसरे हाथ में से वो आशीर्वाद दे रही हों। इसके अलावा धन की मटकी भी हो सकती है। माता की प्रतिमा का रंग गुलाबी होगा तो बेहतर रहेगा। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाई तरफ हो। गणेश जी के हाथ में मोदक होना चाहिए और उनका वाहन चूहा भी साथ में जरूर हो। मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति को शुभ माना जाता है। आजकल बाजार में सीमेंट या फिर पीओपी में बनी मूर्तियां भी बिकती हैं। ऐसी मूर्तियां भूल से भी घर पर ना लेकर आए। मूर्ति खरीदते समय ठीक से जांच कर लें कि कहीं से भी मूर्ति खंडित या फिर टूटी हुई ना हो। मूर्ति खरीदते समय ये भी सुनिश्चित कर लें कि अगर माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार हो तो ऐसी प्रतिमा खरीद कर ना लाएं। ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का रंग काला या सफेद ना हो। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि ना ही तो आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट पाए और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें।